हेलो किसान भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं सैयद हाजी अली नाइस फ्रूट फार्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको नज़र आ रहे हैं, ये मेरा सीताफल का बाग है। मैंने दिसंबर में 100 झाड़ों की कटिंग किया था। जैसा कि पहले हमने दिखा चुके हैं कि कटिंग किस तरह की जाती है। दिसंबर में कटिंग करने के बाद 1 जनवरी को मैंने इसका स्ट्रेस, मतलब जो हमने पानी रोक रखा था इन झाड़ों का, इन 100 झाड़ों को हमने पानी देना शुरू कर दिया। पानी देने के बाद जनवरी के 15 तारीख के बाद में इसके पत्ते भी आने लग गए और पत्ते के साथ में कलियाँ आने लग गए। तब ये फरवरी का महीना है। ये फरवरी में आज 26 तारीख है। अभी कलियों की ये पोजीशन है, मैं आपको बता ये दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो बस बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि गर्मियों के दिनों में सीताफल नहीं आते हैं, कलियाँ उसके झड़ जाते हैं। मैं ट्रायल बेस के ऊपर सिर्फ 100 झाड़ों की मैंने कटिंग करके जनवरी में पानी दिया हूँ। मैं देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। और दूसरा और है कि मैं फरवरी में कटिंग करके 1 मार्च को पानी दूंगा। मतलब 2 स्टेज में भी देखेंगे कि कौन से सीताफल के झाड़ों के कलियाँ रहते हैं या सीताफल लगते हैं और कौन से नहीं, ये मैं देखना चाहता हूँ। उसके बाद 3rd स्टेज में मैं देखूँगा, मई में कटिंग करूँगा, मतलब मई में पानी दूंगा, उसका स्टेज तोड़ूंगा। जून में अक्सर पानी लोग देते हैं, लेकिन मैं मई में देख के देखूंगा क्या उसका रिज़ल्ट आता है। तो 3 स्टेज में मैं ये सीताफलों के ऊपर देखना जा रहा हूं मैं कि क्या असर होता है गर्मियों का। ठीक है, देखो कलियां माशाल्लाह बहुत बहुत कलियां लगे हुए हैं। अभी दूसरा जो फरवरी में जो कटिंग जो किया है उसका भी मैं आपको वीडियो अभी दिखाऊँगा, नेक्स्ट वीक में मैं आपको दिखाऊँगा। ये देखिए कलियाँ बहुत आए हुए हैं। तो मुझे देखना ये है कि गर्मी का इन कलियों के ऊपर क्या असर होता है। और जो भी इसका अपडेट है इसका वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। और ये देख लीजिए मुझे, और इसके लिए हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमेशा जो इस्तेमाल करते हैं वही इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से स्ट्रांग झाड़ होते हैं या कलिया स्ट्रांगनेस आता है, ये हमको देखना है। और ये देखिए, ये है जो मैं फरवरी में कटिंग करूँगा नेक्स्ट वीक में, और फिर इसको मार्च में पानी दूंगा, इन 2 लाइनों को। ठीक है, ये मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम किसी को भी हमारा वीडियो मतलब शेयर करने के लिए नहीं कहते हैं और हमारे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं कहते हैं। बस हमेशा सबको तो यही कहते हैं कि आपको जो भी पूछना है पूछ लीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। ठीक है, ये देखिए अब बहुत सारी बाग है, टोटल 400 झाड़ है मेरे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय किसान, जय महाराष्ट्र।